अगर आपके पास SBI का बैंक अकाउंट है और आप SBI बैंक अकाउंट को आप UPI एप्लीकेशन के अंदर लिंक करके रखे हो, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, इन सभी एप्लीकेशन को आप यूज़ करते हो या इनमें से किसी एक को भी यूज़ करते हो और उसके अंदर आपका सेविंग अकाउंट SBI का लिंक है, तो फ्रेंड इस वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस वीडियो में आप SBI का जो UPI लिमिट है ना, आप उसको इंक्रीज़ और डी इंक्रीज भी कर पाओगे, यानी उसका लिमिट को बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। वो चीज़ कैसे होगा, ऑनलाइन सारा कुछ होगा, इसके लिए आपको कहीं ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सारा कुछ मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके ही दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज आगे भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने डिवाइस के अंदर योनो लाइट को यूज़ करना, योनो ऑफिशियल को यूज़ मत करना। देखिए अगर आपके पास SBI का नेट बैंकिंग है ना, तो आप दोनों एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप एक को यूज़ करना चाहते हो तो आप योनो लाइट को भी इंस्टॉल कर लो, ये सिर्फ इस काम को करने के लिए। ऐसा आप चाहो तो योनो ऑफिशियल यूज़ करो, दोनों वेरीफाइड एप्लीकेशन है SBI का, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं योनो लाइट को सबसे पहले ओपन करूँगा, आप यहाँ पे स्क्रीन शॉट यानी स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हो। एंड ओपन जब कर लेंगे योनो लाइट के अंदर लॉगिन कर लेंगे, तो इसका जो फर्स्ट इसका पूरा पेज है इस तरीके से शो होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ना करना कुछ नहीं, ऊपर में आपको मिलेगा UPI का एक ऑप्शन, UPI ट्रांसफर, इस तरीके से ऑप्शन आपको मिलेगा। सिंपल सा इस UPI का जो ट्रांसफर वाला जो ऑप्शन है ना, इसके ऊपर आपको वन टाइप करना है। इस पर टाइप करने के बाद मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे, यहाँ मिलेगा सेट UPI ट्रांजेक्शंस लिमिट फोर्थ ऑप्शन, उसके ऊपर टैप करना है। यहाँ पे ना अब मतलब प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करने को बोलेगा, तो यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन हो चुका है, तो आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे सही से एंटर कर लीजिएगा। एंड एंटर करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग रहेगा, एंड उसके बाद यहाँ पे लिमिट सेट करने का एक पेज आ जाएगा, देखिए इस तरीके से। अब वहाँ ऊपर में दिखाएगा एक्सिटिंग UPI ट्रांजेक्शन लिमिट, और नीचे दिखा रहा नी UPI ट्रांजेक्शन लिमिट और कन्फर्म नी UPI ट्रांजेक्शन लिमिट। मतलब आप जो लिमिट यहाँ पे सेट करोगे ना, उसी लिमिट को दोनों बॉक्स में फिल करना होगा। देखिए यहाँ बता दूँ कि इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1 लाख है, 1 लाख से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। हाँ, इस लिमिट को आप 1 लाख से कम कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो आपके बैंक को यूज़ करता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस लिमिट को कम कर लीजिए, और वो ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर ही नहीं पाएगा फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, कहीं से भी, ठीक है। तो अपने इस लिमिट को ना अपने अकॉर्डिंग सेट कर पाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पे 50,000 कर लेता हूँ, सीधे 50% मैंने कम कर लिया। तो आप भी अपने इस तरीके से कम करके कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, तो देखिए जो भी आप यहाँ पे इंटर करेंगे लिमिट को, उसको एक बार सही से चेक कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आपके नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, उस पासवर्ड के उस OTP को यहाँ पे फिल करेंगे। OTP जब फिल कर लेंगे, तो उसके बाद सबमिट पे टैप करेंगे, तो ये जो लिमिट है ना, इंस्टेंट यहाँ पे सेट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि आपके घर में बच्चे हैं जो आपके बैंक को यूज़ करते हैं, तो उनके पेरेंट को ये चाहिए कि अपना लिमिट को कम कर लें, क्योंकि बच्चे को समझ में नहीं आता है और कहीं कहीं हाई टेंशन भी कर लेते हैं। तो आज लिमिट कम कर लोगे, वो लाख कोशिश करेगा, तो वहाँ पर टेंशन फेल्ड होगा, एरर आएगी, टेंशन नहीं कर सकता। तो ये अपडेट जो है ना SBI की तरफ से मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पहले से पता था या नहीं। फिलहाल इस वीडियो यहीं भी एंड कर रहे, मिलते एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।